तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ टॉप पॉपुलर के एन सी ड्रामास के बारे में, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। पहला नंबर की बात करते हैं, पहला नंबर पर आता है पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर, एक सी ड्रामा है जो कि काफ़ी पॉपुलर सी ड्रामा है, एक रोम कॉम ड्रामा है। अगर बात करें इसकी ओवरऑल रेटिंग की तो 8/10 का IMDb रेटिंग आपको देखने को मिलता है एंड 8.4/10 का माई ड्रामा लिस्ट रेटिंग आपको देखने को मिल जाता है। ये आपको हिंदी में MX Player प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाकर देख सकते हैं। अगर बात करें इसकी स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है मेल और फीमेल करेक्टर जो कि ग्रेजुएशन स्टूडेंट होते हैं दोनों के दोनों, और दोनों आपस में एक ही कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हैं कि यूनिवर्सिटी से, दोनों में आपस में कैसे मिलते हैं, दोनों में कैसे प्यार होता है, ये जानने के लिए सीरीज को आपको देखना पड़ेगा एंड ये आपको MX Player पे देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो फीमेल करेक्टर एंड मेल करेक्टर दोनों काफ़ी एक इन लव स्टोरी दोनों का काफ़ी अच्छा देखने को आपको मिलेगा, दोनों का केमिस्ट्री आपको देखने को काफ़ी अच्छा मिलेगा एंड दोनों एक इनोसेंट लव स्टोरी आपको देखने को इसमें मिलता है। अगर आप ड्रामा सीरियल देखना पसंद करते हैं तो आप जाके इसे जरूर देख सकते हैं, देख के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं, दूसरे नंबर पर होटल डे लूना। होटल डे लूना एक काफ़ी पॉपुलर के ड्रामा है। बात करें तो एक रोम कॉम एंड लव स्टोरी बेस्ड के ड्रामा है। इसमें आपको साउथ कोरिया के पॉपुलर एक्ट्रेस देखने को मिलती है, आयु देखने को इसमें आपको मिल जाती है जो कि काफ़ी पॉपुलर साउथ कोरिया के सिंगर एंड जो भी कैरेक्टर है आपको देखने को इसमें मिलती हैं, साउथ कोरिया के और भी एक्टर आपको इसमें देखने को मिलते हैं। बात करें इसकी ओवरऑल रेटिंग तो 8.1/10 का IMDb रेटिंग आपको देखने को मिल जाता है, 8.6/10 का माई ड्रामा लिस्ट की रेटिंग आपको देखने को मिलता है एंड आपको और नेटफ्लिक्स एंड बीकी के प्लेटफॉर्म पर ओरिजिनल लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है एंड हिंदी डब में भी आपको देखने को मिलता है, आप जाकर इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। अगर बात करें कि स्टोरी की तो स्टोरी में सिंपल आपको यही दिखाया गया है, जो आयु होती है पुराने टाइम में एक सोल्जर होती है, तो उन्होंने काफ़ी लोगों को मारा होता है, तो भुगतान के लिए इसे अमरता का वरदान दिया जाता है जो कि एक होटल खोलती है। होटल में जो भी मृत लोग होते हैं वो वहाँ पे आते हैं उस होटल में, और उस होटल में जो मृत लोग आते हैं उनको कहाँ पे पहुँचाना है, मरने के बाद कहाँ पे पहुँचाना जाना है उन दोनों आत्माओं को, वो ये डिसाइड करती है, तो काफ़ी लंबे समय से जीती है। इसमें और एक मेल करेक्टर आता है, फिर दोनों में कैसे आयु और दोनों में कैसे प्यार होता है, दोनों में आयु को कैसे इन लंबे जीवन से मुक्ति मिलती है, ये जानने के लिए आपको इस के ड्रामा को जरूर देखना पड़ेगा। हिंदी में आपको देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी पॉपुलर के ड्रामा है। अब तीसरे नंबर की बात करें, तीसरे नंबर पर द टेल ऑफ नोकरू, जो कि एक पॉपुलर के ड्रामा है। अगर बात करें इसकी ओवरऑल रेटिंग की तो 7.8/10 का IMDb रेटिंग आपको देखने को मिलता है एंड 8.3/10 का माई ड्रामा लिस्ट की रेटिंग आपको देखने को मिलता है। इसमें अभी जो नया के ड्रामा आया है माई लवली लायर, उसमें जो एक्ट्रेस आपको देखने को मिलती है वही एक्टर आपको इसमें भी देखने को मिलती है, ये आपको MX Player पर हिंदी डब में देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इसकी स्टोरी की तो स्टोरी में सिंपली आपको पुराने हिस्टोरिकल टाइम का समय दिखाया गया है इसमें, फिर जिसमें एक्टर एक्ट्रेस होती है दोनों अलग अलग जगह से बिलोंग करती है, दोनों मिडिल क्लास से होती है, दोनों कैसे मिलते हैं आपस में, दोनों में कैसे प्यार होता है, ये चीज़ आपको इसमें देखने को मिलता है। लो रोमांटिक लव स्टोरी एंड कॉमेडी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलता है। अगर आप के ड्रामा सीडा में देखना पसंद करते हैं तो आप जाकर जरूर देख सकते हैं, इन तीनों को आपको देख के काफ़ी अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो।